ठीक है एंड पिछले दो एग्जाम में तो पूरे एडजस्टमेंट इस शीट में से ही आए हैं ठीक है तो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं इस शीट से एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्टेड हो सकता है ठीक है तो बेटा आगे बढ़ते हैं एंड आप ये शीट डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में ये शीट मोर देन फोर्टी थाउजेंड स्टूडेंट्स यूज कर चुके हैं और आप भी यूज़ इसे कर सकते हो ठीक है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ठीक है तो चालू करते हैं ये वीडियो थोड़ा स्पीड में रहेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये वीडियो लास्ट देखते हैं ठीक है ओके सो लेट स्टार्ट पीजीपी एडजस्टमेंट्स बेटा सबसे पहले हमने किस फॉर्मेट में रखा है ना इसको प्रॉफिट एज पर बुक्स और नेट प्रॉफिट एज पर पी एन एल यहाँ पर हम चीज़ें ऐड भी करेंगे लेस भी करेंगे अब अपन ऐड क्या क्या करते हैं बात करते हैं अपन ऐड करते हैं डिडक्शन्स नॉट अलाउड जो डिडक्शंस अलाउड नहीं होते मतलब एक्सपेंसिस uh, जो अलाउड नहीं होते एंड थिंग्स टू बी एडेड टू इनकम और जो चीज़ें इनकम में ऐड होनी चाहिए इंक्लूड होनी चाहिए वो हम ऐड करते हैं लेस हम क्या क्या करते हैं लेस में देखिए क्या क्या करते हैं अपन लेस करते हैं जो डिडक्शन से एक्सपेंस अलाउड होते हैं और जो भी थिंग्स जो भी चीज़ें इनकम से डिडक्ट होनी चाहिए मतलब इनकम में से माइनस करनी चाहिए वो चीज़ें माइनस करते हैं डिडक्ट करते हैं अपन ठीक है ओके okay. अब अगर ऑलरेडी डेबिटेड है तो माइनस नहीं करेंगे ऑलरेडी एडेड है इनकम में तो ऐड नहीं करेंगे ये आपको पता है अंडरस्टूड है ये ठीक है अब पहला पॉइंट है अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक अंडर वैल्यूशन ओवर वैल्यूशन पर अपी देर में बात करेंगे ठीक है एडवर्टाइजमेंट इन द दोविनर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड पेमेंट टू इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बाय चेक ठीक है ये दोनों यहां पे एड होता है और एट्टी जी जीबी एट्टी जीजीसी में डिडक्शन मिलता है अब एक बात ध्यान रखना एडवर्टाइजमेंट का सिर्फ कंपनी को मिलता है ठीक है मतलब कंपनी को एडवर्टाइजमेंट का भी मिलता है और डोनेशन का भी मिलता है पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रिकल ट्रस्ट बट जो बाकी लोग हैं उनको सिर्फ डोनेशन का मिलता है पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को कहाँ पे ATGGB और ATGC में यहाँ पे ऐड हो जाता है ठीक है जीएसटी डिमांड पेनाल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न दैट इज ब्रीच ऑफ लॉ ये भी एड बैक होता है ठीक है एक्सपेंसि इशू ऑफ राइट शेयर क्योंकि इससे कैपिटल बढ़ती है इसलिए एड होता है फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी फीस फीस पेड इज इज एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एट 25 अलाउड को ऐड करते हैं और डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं डेप्रीसिएसेंट का ठीक है लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर इसको हम यहां पे ऐड करते हैं ठीक है क्योंकि कैपिटल नेचर का है और हम क्या करते हैं ना इसका स्क्रैप वैल्यू अगर प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिटेड है तो माइनस करते हैं सर तो आखिर में करना क्या है इसको तो हम कुछ नहीं करते इस लॉस को अपन एडजस्ट करते हैं कहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यू में ठीक है तो क्या बोला मैंने अगर लॉस दिया है तो डेबिटेड है ऐड कर दो अगर आपके पास स्क्रैप वैल्यू क्रेडिटेड है तो लेस कर दो और इसको एडजस्ट करो कहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के डब्ल्यू में ठीक है अमाउंट पेड टू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट ठीक है कोई भी ऐसा नाम लिखा रहे एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट अलाउड नहीं रहेगा कोई आपको दिया है ना ई एस आई सी ई पी एफ वगैरह उसमें अलाउड रहता है ऐसे अलाउड नहीं रहता ठीक है कंपाउंडिंग फीस रेगुलराइजेशन फीस दैट इज़ ब्रीच ऑफ लॉ इसलिए ये अलाउड नहीं रहता ठीक है इंडस्ट्रियल पावर टेरिफ कंसेशन रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन इनकम ध्यान रखना ये इनकम में इंक्लूड होता है ऐड करते हैं इनकम में प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन अलाउड नहीं होता ये एक्सपेंस प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन पीजीबीपी में सिर्फ एक्चुअल ग्रेचुअटी पेड अलाउड होता है ये होता है अलाउड कहां पे मैट में ठीक है पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स के एक्सपेंसेस ने क्लियर नहीं किया तब भी यह डिस्ला हो जाएगा बिकॉज कैपिटल नेचर का है एन एक्सपेंस फॉर इंक्रीजिंग ऑथोराइज कैपिटल भी डिस्ला होगा ठीक है तो पब्लिक इशू ऑफ शेयर के जो भी एक्सपेंस होते हैं बैक कर देते हैं अपन ठीक है ध्यान रखना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू कॉपरेटिव बैंक आफ्टर ड्यू ऑफ वन नाइन वन ये फॉर्टी थ्री बी का पॉइंट है डिसला होता है एड बैक कर देते हैं डिस्काउंट गिवन बाय सनडी क्रेडिटर्स और अमाउंट इज वेव्ड जब कोई भी अमाउंट वेव करता है सनडी क्रिएटर या डिस्काउंट दे, दे देता है तो उसको भी अपन क्या करते हैं इनकम में ऐड कर देते हैं परचेज ऑफ़ एनीथिंग एट अ प्राइस हायर देन मार्केट वैल्यू कोई भी चीज अपन मार्केट वैल्यू से ऊपर प्राइस पे बाय करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं ठीक है अच्छा इसमें एक एडजस्टमेंट बता दे रहा हूँ मैं और एक ट्रिकी एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन में था मान लो सिक्सटी थाउजेंड का आपने कोई सर्विस लिया जिसका मार्केट वैल्यू था फिफ्टी टू थाउजेंड ठीक है और आपने सिक्सटी थाउजेंड कैश से पे किया ठीक है दो डिस्काउंट हो गए एक हुआ फोर्टी एट टू का कितना हुआ मतलब आपने आठ हजार रुपये महंगा खरीदा एट थाउजेंड महंगा तो एट थाउजेंड का आपका डिस्लाउंस होगा फोर्टी एट टू में और बचा हुआ फिफ्टी टू थाउजेंड का होगा फोर्टी एट थ्री में ठीक है ध्यान रखना ये बात ये क्वेश्चन में आया हुआ है ठीक है ओके चलो नेक्स्ट सर जीएसटी रिफंडेड सॉरी जीएसटी नॉट रिफंडेड टू कस्टमर आउट ऑफ सेल्स टैक्स रिफंड मतलब जीएसटी आया आपको रिफंड और आपने क्या किया कस्टमर को रिफंड नहीं किया तो क्या होगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा ठीक है अब एक क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में कि सर तीन लाख का रिफंड आया आपने टू लाख रिफंड कर दिया तो क्या करेंगे वन लाख हमारी इनकम में ऐड कर देंगे ठीक है ओके सर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम इन एक्सेस ऑफ टेन थाउ टेन परसेंट ठीक है तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एनपीएस पी सी सी डी कितना रोड होता है सिर्फ टेन परसेंट कितना बेसिक प्लस डी ए ठीक है सीएसआर एक्सपेंडिचर ये डिस्ला होता है एडबैक होता है प्रोविजन फॉर डिफर टैक्स एडबैक एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड फॉर कैपिटल एसेट यहां पे पर बैक होता है ये अलाउड नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपर्ट ओपिनियन चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस इज नॉट अलाउड हियर ठीक है पेमेंट ऑफ फ्रीबीज और गिफ्ट टू डॉक्टर्स नॉट अलाउड एड बैक ठीक है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स ये भी अलाउड नहीं होता बैक होता है ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स पे ठीक है पेमेंट ऑफ बोनस टू ट्रस्ट एंड नॉट टू एम्प्लॉइज क्या होता है हमने क्या किया हमने हमको एम्प्लॉज को बोनस पेमेंट करना था तो हमने वो पेमेंट नहीं किया हमने क्या बोला हमारा डिस्प्यूट चल रहा है हम एक ट्रस्ट बना देते हैं और जब डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएगा तो एम्प्लॉइज़ को पे कर देंगे ठीक है तो इसको हम एक्चुअल पेमेंट नहीं मानते हैं और इसको अपन क्या करते हैं डिसलाउ करते हैं पर इस पर ऑल्टरनेटिव व्यूज़ है दो ठीक है कुछ लोग बोलते हैं कि देखो ट्रस्ट तो एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए ना तो अपने ट्रस्ट को पे किया मतलब एम्प्लॉयज़ को पे किया तो अलाउड मान भी सकते हैं तो यहाँ पे दो अल्टरनेटिव है कभी क्वेश्चन आया है इसका तो दोनों ऑल्टरनेटिव कर सकते हो आप और अगर एक की आपने दूसरे बारे में लिख के आ जाना ठीक है एक्सपेंस ऑफ फॉरन ट्रेवल ऑफ डायरेक्टर फॉर कोलेब्रेशन एग्रीमेंट दैट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस नॉट रिलेटेड टू बिजनेस विच फेल टू मटेरियलाइज दैट इज कैपिटल नेचर एंड नॉट अलाउड तो बेटा फॉरन ट्रेवल डायरेक्टर का कोलेब्रेशन एग्रीमेंट के लिए और जो कि इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस इसलिए अलाउड नहीं होगा न्यू बिजनेस से कैपिटल नेचर ठीक है

टैक्सीबल इन द ईयर इन विच रीजनेबल सर्टनिटी ऑफ इट रियालाइेशन इज रिसो अगर आपने एक्सकेलेन किया ऑफ प्राइसेस इन ऑन गोइंग कॉन्ट्रैक्ट तो कब टैक्सीबल होगा वो जिस साल उसकी रीजनेबल सर्टनिटी मिलती है ना कि इस साल रियलाइज होने वाला है उस साल टैक्सीबल होगा ठीक है फोर फिफ्थ ऑफ वी आर एस कम्पनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज देखो वी आर एस कम्पनसेशन का वन फिफ्थ अलाउड होता है तो फोर फिफ्थ एडबैक हो जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन टू ट्वेंटी फोर बी फॉर शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ये भी अलाउड नहीं होता है एडबैक हो जाता है पेमेंट टू मिडिल मैन फॉर परचेज ऑफ क्रैब लॉबस्टर इन एक्सेस ऑफ़ और पेमेंट मैन इन एक्सेस ऑफ टेन थाउजेंड ठीक है पेमेंट टू होलसेल ट्रेडर फॉर परचेज ऑफ वीट फ्रॉम मंडी इन एक्सेस ऑफ टेन थाउजेंड और पेमेंट टू फार्मर इन एक्सेस ऑफ टेन थाउजेंड अब देखो इसमें तुमको चार पॉइंट पड़े हमने तुम्हें कुछ डिफरेंस लगा हां देखो पहले जो दो पॉइंट थे हमने क्या कि किया मिडिलमैन और होलसेल ट्रेडर को पेमेंट किया यह क्या होता है यह डिसउड होता है अंडर रूल सिक्स डी बट दूसरे दोनों पेमेंट कौन से कौन से हुए पेमेंट टू फिशरमैन इन एक्स ऑफ टेन थाउजेंड एंड पेमेंट टू फार्मर इन एक्स ऑफ टेन थाउजेंड यह दोनों चलता है क्योंकि यह अलाउड है कहां पे अंडर रूल सिक्स में अलाउड है ये क्या पेमेंट टू फिशरमैन पेमेंट टू फार्मर पेमेंट टू कल्टिवेटर इनको पेमेंट करोगे अलाउड रहता है राइट right? सिक्स में प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी अमाउंट स्पेंड आउट ऑफ नबार्ड अकाउंट इफ़ यूटिलाइजेशन इज़ नॉट परमिसेबल और यूटिलाइजेशन इज़ डन आफ्टर एंड ऑफ प्रीवियस ईयर देखो एक तो परमिसेबल नहीं था उस पर आपने यूटिलाइज किया ठीक है या फिर आपने जिस साल विड्रॉ किया उस साल नहीं किया उस साल के खत्म होने के बाद किया ठीक है इस केस में रहता है अब ये जब डिस्लाव होता है ना एडबैक होता है ना तो पूरा टैक्सीबल नहीं होता ये कंपोजिट इनकम होती है तो इसका फोर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट या फिर थर्टी फाइव परसेंट इतना टैक्सीबल होता है जो वो रहता है ठीक है मार्क टू मार्केट लॉस इफ नॉट एज प्राइसरियस क्या होता है एडबैक हो जाता है रिटर्नशन मनी इज़ इंक्लूडेड इन इनकम ठीक है ये समझना आपको टी कॉफी रबर वाला ओके अब नॉन कम्पीट फीस पेड के दो ट्रीटमेंट है ये वाला ट्रीटमेंट रेवेन्यू वाला छोड़ दो ये अब नहीं आता है ये नहीं पूछता है मोस्टली कहाँ होता है क्या होता है कि जब भी नॉन कम्पीट फीस पे करते हैं अपन तो इंटेंजिबल एसेट क्रिएट होता है और एक्सपेंस विल भी एडेड बैक एंड डेप्रिसिएशन एट द रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट बिल भी अलाउड ठीक है नॉन कम्पीट फीस पेड की बात है अगर नॉन कम्पीट फीस मिलती है तो क्या होता है इनकम में ऐड होता है वो भी इनकम में एड होता है क्यों क्योंकि वो सेक्शन ट्वेंटी एट में हमारी इनकम होती है ठीक है न्यू एडिशन डायरेक्ट टैक्स का टैक्स इंटरेस्ट पेनाल्टी कुछ भी अलाउड नहीं है पर जीएसटी का टैक्स और इंटरेस्ट अलाउड है पेनाल्टी अलाउड नहीं है ओके इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स नॉट अलाउड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नॉट अलाउड रेफरल फीस कमीशन पे टू डॉक्टर्स नॉट अलाउड पेमेंट टू कंसल्टेंट फॉर ओपनिंग अ न्यू बिजनेस कैपिटल नेचर है नॉट अलाउड होता है क्योंकि न्यू बिजनेस है इन लीगल एक्सपेंडिचर सीक्रेट कमीशन नहीं अलाउड है additional depreciation अलाउड विल बी एडेड बैक इफ एस opts for 115 फॉर वन वन फाइव बी डब्ल बी ए बी बी एस सी बी डब्ल बी ए बी बी सी लिया तो क्या होता है depreciation allowed नहीं होता add back हो जाता है रिट्रेंचमेंट closure ऑफ एंटायर बिजनेस पूरा बिजनेस क्लोज हो गया और हमने रिट्रेंचमेंट compensation पे किया ये अलाउड नहीं होता है कैपिटल नेचर होता है अलाउड नहीं होता है back हो जाता है ठीक है अब बेटा नेक्स्ट टू पॉइंट्स है ना नए पॉइंट्स है तो जिसके पास पुरानी शीट है ना वो सिर्फ ये दो पॉइंट ऐड कर लेना बाकी पूरी शीट सेम है सिर्फ ये दो पॉइंट नए हैं ठीक है तो इसमें क्या है बेड डेट रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनलॉड पोर्शन अब ये पॉइंट क्या है सर ये हमको समझा दो एक बार देखो एग्जांपल देता हूँ मान लो आपके डेटर जो थे ना डेटर्स थे आपके थर्टी रुपीज़ के ठीक है थर्टी में से आपका बेड डेट आपको अला हुआ कितने का बेड डेट अला हुआ आपको ट्वेल्व का ये बेड डेट अलाउड है ठीक है ठीक है मान लो आगे चल के रिकवरी होती है आपकी तो रिकवरी आपकी होती है सर रिकवरी हुई हमारी ट्वेंटी थ्री रुपीज की रिकवरी हुई ठीक है अब क्या बोल रहे हैं सर रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अनलाउड पोर्शन अब यहां पे हमने थर्टी में से ट्वेल्व अलाउ किया था तो अनलाउड कितना था तो थर्टी माइनस ट्वेल्व अलाउड तो एटीन हो गया अनलाउड ठीक है एटीन हो गया अनअलाउड तो इनकम में ऐड कितना होगा बेड रिकवरी इन एक्सेस ऑफ अन पोर्शन रिकवरी ट्वेंटी थ्री की है

ये एग्जाम्पल है जो मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूं आपका एग्जाम्पल रख दे रहा हूं यहीं पर चलो इफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज कन्वर्टेड इन डिबेंचर और एनी इंस्ट्रूमेंट विच डिफर्सिटी तो इसको एक्चुअल पेमेंट नहीं बोलते हैं इसको फोर्टी थ्री में डिसाउड होता है ये अभी अमेंडमेंट आया है ये ठीक है नेक्स्ट अब बेटा लेस की बात आती है डिडक्शन अलाउड और थिंग्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम अब क्या चीजें इनकम में से माइनस करनी चाहिए तो पहला है ओवर वेल्यूशन ऑफ स्टॉक अब स्टॉक के बारे में समझाऊंगा आपको ठीक है अभी समझा देता हूं तो देखो बेटा स्टॉक के बारे में देखो यह क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में है ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में है पहले क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं अगर ओवर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ मतलब क्या क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा तो लेस कर दो अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट साइड कम किया हुआ है मतलब प्रॉफिट कम किया हुआ है ठीक करने के लिए प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा इसलिए ऐड कर देंगे ठीक है ओपनिंग स्टॉक में पहले पढ़ते अपन ओवर वैल्यूएशन ठीक है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है मतलब डेबिट साइड बढ़ा हुआ है मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम किया होगा ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा तो ये देखो ऐड कर दो ओवर वैल्यूएशन को और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो अपन क्या करेंगे डेबिट साइड अंडर वैल्यूड मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा ठीक है तो कम करने के लिए मतलब ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे लॉजिक सोचोगे तो ईजी है बहुत ठीक है अब देखो इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट इनकम टैक्स रिफंड एंड इंटरेस्ट अब क्या होता है ना बेटा इनकम टैक्स अपना अलाउड होता नहीं अपने को तो रिफंड भी टैक्सेबल नहीं है लेस कर दो यहां से बट इंटरेस्ट को भी हम टैक्सेबल करते हैं यहां से लेस करते हैं और आई एफ वो एस में टैक्सेबल कर देते हैं ठीक है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर बोनस शेयर के इशू पे एक्सपेंस होता है वो अलाउड होता है इंसिडेंटल है है अगर business से incidental है तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ पेड बिफोर डेट ऑफ वन थर्ट नाइन ठीक है पहले अपन ने पे किया तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउड रहेगा बट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ इफ पेड बिफोर ड्यूडेट ऑफ दैट एक्ट विल बी अलाउड अगर पी एफ एक्ट की ड्यूडेट के पहले पे किया तो अलाउट कर नहीं तो अलाउड नहीं रहेगा ठीक है पेमेंट टू ट्रांसपोर्टर विदाउट डिडक्शन ऑफ टी डी एस अगर ट्रांसपोर्ट ने ऑप्ट किया प्रजमटिव टैक्स एंड उसने डिक्लेशन दिया इस रिगार्ड में और पैन सबमिट कर दिया ठीक है अब नेक्स्ट है डिविडेंसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरन कंपनी अब ये स्पेसीफाइड फॉरन कंपनी पॉइंट इस बार से हट गया है दिस प्रोविजन इज नो मोर एप्लीकेबल तो हमने यहाँ पे क्यों रखा है इस पॉइंट को क्योंकि अगर अभी भी आपको दिया रहा कि फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है जिसमें इंडियन कंपनी ट्वेंटी सिक्स परसेंट और मोर होल्ड करती है तो आपको नॉर्मल ट्रीट करना है उसको उसको लेस करना है यहां से आई आया में टैक्स करना है और नॉर्मल रेट्स पर टैक्स करना है पहले क्या होता था पहले उसको अपन फिफ्टीन परसेंट पर टैक्स करते थे विदाउट गिविंग एनी एक्सपेंसेस अब उसको नॉर्मल टैक्स करेंगे और एक्सपेंस कोई रहेगा तो वो भी अलाउ करेंगे ठीक है लीगल फीस इनकर्ड इन डिफेंडिंग टाइटल ऑफ फैक्ट्री प्रोमाइस इनकर्ड फॉर परपज ऑफ बिजनेस इट इज अलाउड ठीक है पेमेंट ऑफ न्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन कन्वर्टेड फ्रॉम अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट से अपन ने नया इंस्टॉलमेंट कन्वर्ट किया और लोन बना लिया ठीक है तो उसको जितना पेमेंट करोगे उतना अलाउड रहेगा दो इंस्टॉलमेंट पे किए इंटॉलमेंट अलाउड ठीक है एक्चुअल प्रोविजन अलाउड नहीं होता पीजीपी में ठीक है प्रोविजन फॉर पेमेंट टू वर्कर्स एस्टिमेटेड ऑन वेज एंड रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ रिविजन ये क्या होता है सर ये क्या होता है ये अलाउड होता है ठीक है एज पर आई सी डी एस कमीशन पेड टू रिकवरी एजेंट फॉर रिलेशन ऑफ डेट ये भी अलाउड होता है जो पिछले साल फोर्टी ए आई ए में डिसलाउ हुआ था थर्टी परसेंट इस साल अलाउ हो जाएगा येस yes, इस साल अलाउ हो जाएगा पेमेंट टूवर्ड्स फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्टेड फॉर टेक एडवांसमेंट रिलेटेड टू बिजनेस ये भी अलाउ होता है फेल इवेंटन विदाउट क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट हुआ तो भी चलेगा क्योंकि क्या है सर ये बिजनेस से रिलेटेड है इस बिजनेस से रिलेटेड है इसलिए ये अलाउ हो रहा है ठीक है प्रॉफिट फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेफ फ्लक्चुएशन अब देखो करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट हुआ अपने को तो यहां से यहां से लेस करते अपन टैक्स नहीं करते अपन क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी से अगर लॉस भी होता ना तो एडबैक नहीं करते मतलब सॉरी लॉस को अलाउ नहीं करते एडबैक करते और उसको कहां एडजस्ट करते अपन कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे ठीक है एस टी टी पेड क्या होगा एस टी टी पेड अलाउड होता है ग्रोस एंड बोर्ड का कॉस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अलाउबल होता है ओवर द टे्यर ऑफ डिबेंचर्स अगर फाइव ईयर्स का टेन्यर है तो वन फिफ्थ अलाउड होता है ठीक है जीएसटी इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउड होता है परचेज ओमिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलाउ हो जाती है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड टू हंड्रेड परसेंट सब्सिडी वो भी क्या होना चाहिए इंडियन सब्सिडी होना चाहिए ये क्या होता है यहाँ से माइनस करते हैं और ले जाते हैं कैपिटल गेन में और इसको हम ट्रांसफर नहीं मानते तो वहाँ भी कैपिटल गेन नहीं लगता है ठीक है

इट इज इनकर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस एक्सपीरियंस ही तो ये अलाउबल होता है अंडर सेक्शन थर्टी सेवन नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउंग डिडक्शन अंडर सेक्शन थर्टी थ्री ए बी अब मैंने यहाँ पे थर्टी थ्री ए बी का भी एक एडजस्टमेंट डाला है ठीक है नेट प्रॉफिट आया और मान लो थर्टी थ्री ए बी का बिजनेस है तो क्या करना पड़ेगा आपको डिडक्शन अलाउ करना पड़ेगा थर्टी थ्री ए बी में अमाउंट डिपॉजिटेड इन नाबार्ड और फोर्टी परसेंट ऑफ पी जी यू पी विच एवरेज लोअर ठीक है अब इसमें से ये डिडक्शन की बात इनकम आई ना इसमें से अपने को एग्रीकल्चर पोर्शन हटाना पड़ता है कैसा हटाते देखो चालीस रुपए की चाय ठीक है कॉफी में अगर दो चीज़ हुई है तो कितने रुपए की ट्वेंटी फाइव रुपीज़ की अगर फोर चीज़ें हुई है तो फोर्टी रुपीज़ की फोर्टी की चाय है ठीक है चाय तो फोर्टी की है कॉफी में दो चीज हुई तो ट्वेंटी फाइव की है और चार चीजें हुई हैं ग्रॉन क्योर रोस्टेड ग्राउंडेड तो फोर्टी की है एंड रबर थर्टी फाइव का है ठीक है ऐसे याद किए थे अपन ने वो एग्रिकल्चर पोस्टर माइनस कर देते हैं तो अपना आता है पीजीपी इनकम चार्जबल टू टैक्स ठीक है पेनाल्टी पेड टू गवर्नमेंट फॉर फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस इन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड होता है ये पेनाल्टी है पर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रेक्टली पे कर रहे हैं तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ब्रीच ऑफ लॉ नहीं है गवर्नमेंट का नाम देखिए लॉ मत समझो ठीक है एक्सपेंसिस फॉर ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर टू विलेज वेयर फैक्ट्री सिचुएटेड ये भी अलाउड होगा थर्टी सेवन वन में क्योंकि एक सी एस आर नहीं है ये नॉर्मल नॉर्मल uh, मतलब जरूरत है नीड है बिजनेस की कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इवन इफ आफ्टरवर्ड्स इट्स अप्रूवल इज विड्रॉन ये अलाउड होता है ठीक है बाद में उसका अप्रूवल विड्रा हो गया तब भी अपने को अलाउड रहता है एक्सपेंडिचर फॉर विच इनवॉस इज नॉट अवेलेबल बट गुड्स इन वर्ड रिपोर्ट एंड ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ इज अवेलेबल ठीक है पेमेंट टू एनआर नॉट चार्जबल टू टैक्स इन इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस देखो ऐसा एनआर है जिसकी इनकम इंडिया में टैक्सीबल नहीं है ठीक है उसको अपने पेमेंट किया विदाउट डिडक्शन ऑफ टी एस टीडीएस तो ये एक्सपेंस अपने को अलाउड होगा ठीक है क्योंकि उनकी इंडिया क्योंकि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सीबल है ही नहीं तो टीडीएस काटेंगे ही क्यों और यह वाला बात जो था कि एक्सपेंडिचर फॉर विच इनवॉइस इज नॉट अवेलेबल बट हमारे पास क्या है गुड्स इनवर्ड रिपोर्ट अवेलेबल है ऑनलाइन पेमेंट प्रूफ अवेलेबल है तो अलाउ कर देंगे ठीक है पेमेंट अप टू इन कैश टू एम्प्लॉई ऑन इज रिटायरमेंट यह भी क्या होता है अलाउड होता है पेमेंट टू एन एम्प्लॉई हु इज पोस्टेड इन अदर प्लेस अदर देन इज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी फॉर फिफ्टीन डेज और मोर इन कैश ठीक है कैश में चलता है क्या चलता है सर क्योंकि नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से अद, अदर जगह प्लेस्ड है वो बस वहाँ पे क्या होना चाहिए टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए ठीक है और उसका वहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए तो ये रूल सिक्स डी में अलाउड होता है कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट ये अलाउड होता है और ये वन वन में भी अलाउड होगा ठीक है ये पॉइंट मतलब ये फंड बंद हो गया है ठीक है पर भी यह अलाउड रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में पूछ चुका है मे ट्वेंटी टू में ठीक है कॉस्ट ऑफ अपडेंट फिल्म अलाउड रेवन्यू एक्सपेंडिचर रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑन क्लोजर ऑफ सम ऑफ बिजनेस यूनिट्स रेवेन्यू होता है वहाँ पे एंटायर बिजनेस हुआ था था हमने क्या बोले थे 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 अलाउ नहीं किए किए कैपिटल इसलिए बट सम यूनिट्स अगर तो क्लोज सर ये भी होता है अलाउड सॉरी अलाउड होता है मतलब क्या करते हैं माइनस करते हैं और इसको लेके जाते है कहां पे? House property. House property में करते हैं हैं मतलब यहाँ से माइनस कर देंगे और टैक्स कर देंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में बट वहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आपको क्या कि म्यूनिसपल टैक्स इंटरेस्ट और स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वन वन फाइव बी ए बी में ये सब अलाउड नहीं होता है वन वन फाइव बी डब्ल्यू में अलाउड होता है ट्वेंटी फोर और फिफ्टी सेवन ट्वेंटी फोर हाउस प्रॉपर्टी डिडक्शन और फिफ्टी सेवन आई एफ एस डिडक्शन बट वन वन फाइव बी ए बी में अलाउड नहीं होता है ठीक है अब कंपनी है अगर मान लो तो रेट क्या होता है ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी परसेंट ठीक है ट्वेंटी फाइव परसेंट कब अगर प्रीवियस ईयर बी सिक्किस का टर्न ओवर अप टू फोर हंड्रेड करोड़ से ठीक है बट अगर ऑप्ट किया वन फाइव बी ए तो पी इनकम रहेगी फिफ्टीन परसेंट टैक्सीबल हाउस प्रॉपर्टी आई एफ ऑर्स रहेगी ट्वेंटी टू परसेंट और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेप्रिशेबल एसेट्स पर रहेगा फिफ्टीन परसेंट एंड नॉन डेप्रिशेबल पर ट्वेंटी टू परसेंट इस पर टेन परसेंट सच मैडेटरी है एंड फोर परसेंट से मैंडेटरी है ठीक है तो बेटा अपन ने इस पूरी शीट में ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स कवर कर लिए हैं जो कि आपके पेपर में आते हैं ठीक है अब जाओ पेपर में और बढ़िया से पेपर दे के आओ और ऑल द बेस्ट और अगर पेपर आपको इस शीट से हेल्प होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना पेपर के बाद ऑल द बेस्ट बहुत सारे बच्चे पेपर के दिन देख रहे हैं सुबह सुबह तो आपको बेटा ऑल द बेस्ट आप सब कर लोगे देखो डरो मत पेपर आपको बनेगा पेपर डिफिकल्ट भी आया तो भी आपको बनेगा ठीक है आप मुझे पता है कि लास्ट डे दे पे देख रहे हो आप ही मतलब लास्ट डे एक दिन पहले देख रहे हो या फिर सुबह देख रहे हो ठीक है तो चिंता मत करो तुमको बन जाएगा तुमको आता है बस जो आता है ना सब पेपर में लिख के आ जाना छोड़ना मत कुछ भी हंड्रेड मार्क्स पूरा लिख के आना ठीक है और मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम सब कर लोगे है ना भगवान को याद करो ठीक है और अपने पेरेंट्स को याद करो और अच्छे से पेपर दे के आओ ठीक है अपन सब कर लेंगे ध्यान ध्यान रखना और तुम सब कर लोगे तुम पक्का सब कर लोगे बाय ऑल द बेस्ट बताना मुझे पेपर के बाद और ये वीडियो अपने सब दोस्तों से शेयर कर दो और शीट भी शेयर कर दो